The third MCQ is that 4 power 64 power x is equal to 4. What is the value of x? मतलब 64 का कौन सा पावर करे कि 4 आ जाए. इट मींस कि बड़े नंबर का पावर अगर हमने करना है कि उसको छोटा नंबर लाए, इट मींस कि वो नंबर फ्रैक्शन में ही होगा ना. सो इफ यू आर गिवन ऑप्शंस लाइक 3 एंड 4, ये तो कॉमन सेंस है कि ये उड़ जाएंगे, ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे. दीज वॉन्ट बी, क्योंकि बड़ा नंबर है उसके क्या कहते हैं कुछ पावर करने ताकि हमारे पास छोटा नंबर आ जाए. तो इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि 64 को स्क्वेयर रूट कर लो, तो देखो स्क्वेयर रूट 1/2 पावर है, तो ये इसको छोटा करके 8 दे देगा, सही है ना. तो इसलिए यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस. अगर उल्टा होता कि 8 पावर व्हाट इज इक्वल टू 64, अगर उल्टा होता तो देन यू नो कि अब बड़ा आंसर आएगा. मतलब x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी 1/2, इट शुड बी 2, 3 और 4 और इस तरह बड़ा नंबर होगा, सही है. ओके, सो इसको सॉल्व इस तरह करते हैं, 64 पावर x इज इक्वल टू 4, दोनों साइड पे बेसिस सेम कर दे. सो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4³ एंड इसके पावर x इज इक्वल टू 4, सही हो गया. सो 4 पावर 3x is equal to 4, it means के 3x is equal to 1, क्योंकि क्या कहते हैं बेसिस सेम, तो पावर भी इक्वल होंगे, x is equal to 1/3, फ्रैक्शन में ही होना चाहिए, फ्रैक्शन में ही है, आंसर भी ये, एंड सेकंडली यू कैन बैक सॉल्व दिस, ये ऑप्शन में गिवन होगा ना, ये पुट करते जाए, 64 पावर मतलब 1/3 कर ले, 4 पावर 3 एंड इसकी पावर 1/3, यू नोटिस ये दोनों कैंसिल होकर आपको 4 ही देते हैं, सो इट मीन्स के 1/3 ही आंसर है. थैंक यू.